ऑफ कोर्स होना ही था. सो इफ यू सी, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा. हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय शैडो बीट्स. आई एम योर पलवी. सो अभी सुबह सुबह आप सोच रहे होगे मैं कहाँ जा रही हूँ. फाइनली मैंने फ्राइडे को एक्चुअली बैडमिंटन का, फ्राइडे नहीं, सैटरडे मॉर्निंग बैडमिंटन का स्लॉट बुक कर लिया था मंडे के लिए. थैंकफुली मुझे मिल गया, सुबह का ही खाली था. आई वॉज लुकिंग फॉर इवनिंग बट नहीं था, तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अभी मुझे खेलना ही. सो 7 बजे से अवेलेबल था, मैंने 8 o'clock का स्लॉट लिया है, बट आई एम ऑलरेडी लाइक 5 मिनट्स लेट. यस, तो मैं मतलब बाजू में ये 2 मिनट में पहुँच जाऊँगी. सो या आई एम रियली एक्साइटेड टुडे कि आज मैं बैडमिंटन खेलूँगी. एंड ऑल्सो आज ठंड बहुत ज़्यादा है, इट इज़ लाइक 8 degrees और धूप भी नहीं है. वाह, नेट पैड लगा के रेडी एंड आई एम ऑल्सो रेडी. मज़ा आ गया मतलब, और अच्छा है सुबह खेलने का. मतलब सुबह ऐसा होगा ना, आदत हो जाएगी सुबह. अगर मैं कभी बैडमिंटन के लिए नहीं आई तो आई कैन कम फॉर जिम. बट बहुत ही मज़ा आया, मतलब पूरा फ्रेश हो गई है. तो और इतने दिनों बाद आई थिंक आई एम प्लेइंग आफ्टर व्हाट लाइक 15-16 ईयर्स. मैं तो जब स्कूल में थी तभी खेलती थी, उसके बाद तो खेला ही नहीं. बट या सुपर अमेजिंग है, सुपर फन, मज़ा आ गया मुझे. ब्रेकफास्ट टाइम और मैं बना रही हूँ ब्रेड ऑमलेट एंड आई हैव दिस सलामी. अरे यार ये पूरा ऑमलेट टूट गया, डैम. ठीक है चलो कोई नहीं, आज टूटा हुआ ऑमलेट ही खा लेंगे. ऐसा सोच लेती हूँ कि मैं, मुझे 2 छोटे छोटे ऑमलेट मिले हैं, मतलब आई एम हैविंग 2 small small ऑमलेट. वन स्लाइस ऑफ, मतलब वन क्या, हाफ स्लाइस ऑफ ब्रेड, ये एक टर्की सलामी एंड ये ऑमलेट एंड ऑफ कोर्स माय ग्रीन जू. आज तो बैडमिंटन खेलने के बाद पूरा मज़ा आ गया मुझे एंड इट वाज लाइक रियली फन. मैंने अभी दाल वाल सब चढ़ा दिए, दाल चढ़ा दिए, केल साग जो है वो बना दिया है. उसके बाद लंच करके आई विल गो आउट, आज एक गार्डन जाऊंगी मैं. सो या एंड ऑल्सो इन द मीन टाइम, जब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करती हूँ, मैं बेडरूम में इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मुझे अपना वीलॉग एडिट करना है कल वाला. आज तो भैया बहुत ज़्यादा काम था मुझे एंड मैंने सोचा कि काम वाम करके, लंच करके मैं शाम को थोड़ा बाहर जाऊँगी. बट जैसे ही मैंने बाहर जाने के लिए कबर्ड खोला, वैसे ही ये हुआ. मतलब लुक एट दिस, कपड़ों का स्टैक, ये दोनों यहाँ से गिरे हैं एंड ये ऐसे ही, मतलब ये मैंने पता नहीं जब से आई थिंक इस घर में शिफ्ट हुई हूँ मैंने ये पूरा ठीक नहीं किया है. एंड पहले तो मतलब कम कपड़े थे ना, उसके बाद जब धीरे धीरे मेरे ये वाले बैग्स में, क्योंकि मैं कपड़े रखती हूँ क्योंकि जगह नहीं है इस घर में, सो पहले कम कपड़े थे और उस बैग से जब धीरे धीरे कपड़े निकलने लगे तो वो सब इधर अंदर स्टैक होते गए इन सब के अंदर. बिकॉज ऑफ दैट ये पूरा भर गया एंड ये हुआ. ऑफ कोर्स होना ही था. सो इफ यू सी, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा. सो ये हालत है गाइस, मेरा शाम को बाहर जाने का प्लान गॉट कैंसल्ड. यस, मैंने सोचा कि ये करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये जो आज गिरा है ना, ये इसलिए गिरा है क्योंकि ये एक हफ्ते से मुझे दुहाई दे रहा है कि प्लीज़ अरेंज मी, प्लीज़ सेटल दिस, प्लीज़ क्लीन दिस मेस. बट आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन. आई वॉज लाइक ठीक है जब तक काम चलता है चलने दो,
बट नाउ इट्स हाई टाइम गाइज, आई थिंक ये जो नीचे गिरे हुए कपड़े हैं ना, इसको मुझे उठाने ही पड़ेंगे. सो लेट्स अरेंज दिस होल कबर्ड थिंग. ये देखो, ये स्कार्फ यहाँ पे घुसा हुआ है ब्लडी, और आई यूज टू फाइंड दिस आई डिडंट गेट इट. सो यही होता है जब बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना, तो मम्मी अगर ये वाला वीलॉग फिर से देखेगी ना, तो फिर से गालियाँ देगी. मतलब बैंगलोर से जब शिफ्ट करा था तभी इतनी गालियाँ दी थी मम्मी ने मुझे बिकॉज ऑफ माई क्लोथ्स. एंड मैंने वह खैर बहुत सारे डिस्कार्ड भी किए थे मम्मी के सामने, बट यहाँ ज़्यादा हो गए यार. यहाँ पे ठंड के कपड़े ज़्यादा हो गए. मैंने यहाँ पे आके सिर्फ ठंड के कपड़े खरीदे, क्योंकि मेरे पास ठंड के कपड़े नहीं थे, क्योंकि बैंगलोर में इतनी ठंड नहीं होती थी. उससे पहले मैं पुणे में थी, बॉम्बे में थी, तो इतनी ठंड हुई नहीं कभी. सो यहाँ पे आके, बट ऑफ कोर्स मुझे ठंड के कपड़े तो खरीदने ही थे. सो या सो नाउ लेट्स गेट बैक टू वर्क. ये सारे कपड़े मिक्स कर दिए, मतलब जिम के स्वेटर्स, घर के, बाहर के, सब कुछ ही मिक्स कर दिया मैन. सारे जिम के कपड़े रखे हैं, और मतलब आई एम जस्ट रिपीटिंग 3-4 क्लोथ्स एवरी डे. मतलब ऑफ कोर्स वॉशिंग मशीन में धो के, बट वही 3-4 पहन रही हूँ रिपीट मोड पे, और ये सारे के सारे अंदर कहीं घुसे हुए थे. मैं इंडिया से टैग के साथ लेके आई हूँ, एंड स्टिल आई हैव नॉट वोन देम. वाओ, मैन, हाउ गॉड, दिस इज माई डैड स्वेटर. एक्चुअली अभी जब भाई की शादी में हम गए थे घर, मतलब मैं घर गई थी, तो मम्मी ना कुछ पुराने जो बक्से होते हैं ना अपने घर पे, ट्रंक, वो खाली कर रही थी, तो ये सब कुछ था मतलब. एंड दिस इज एक्चुअली, आई विल शो यू गाइस पास से, ये पूरा मम्मी ने खुद डिजाइन किया था. एंड लुक एट द डिजाइन एंड एवरीथिंग, कितना स्मार्ट है ना. तो ये सब ना मम्मी फेंकने वाली थी. मम्मी वॉज लाइक कि नहीं, ये सब वेस्ट होगा, मैं फेंक रही हूँ. और ना मैं लेके भाग गई इसको रूम में. मैंने बोला नहीं नहीं आई विल नॉट लेट यू थ्रो दिस, आई विल टेक इट विद मी टू लंडन. एंड शी इज लाइक, क्या करूँगी लंडन में जाएगी, तुमको सिर्फ कचरा भरना होता है, कचरा क्यों भर रही हो, क्या काम आएगा, फेंक दो. मैंने बोला नहीं, उसमें से ग्रीन वाला मैंने पहना है. ये दोनों मैंने इसलिए नहीं पहना क्योंकि ये हाफ स्वेटर. ऑल सेट. यहाँ पे मैंने अपने सारे लॉन्ड्री आइटम्स रखे हैं. यहाँ पे वो एक्स्ट्रा टी शर्ट्स जो कभी कभी पहनती हूँ, यहाँ पे मेरे सारे वो घर के कपड़े हैं, शॉर्ट्स, नाइट ड्रेसेस, टी शर्ट्स. देन दिस इज ऑल जिम वेयर, ये आगे और पीछे भी है. देन दिस इज ऑल माई स्वेट शर्ट्स एंड ऑल, इधर भी जो पतले वाले होते हैं. यहाँ पे ये थर्मल्स रखे हैं मैंने साइड में, एंड ऑफ कोर्स स्वेटर ज़्यादा जगह लेता है, तो पीछे वाला जो रैक है दैट इज़ फुल ऑफ स्वेटर्स, एंड ये सामने वाला. तो अगर मुझे स्वेटर चाहिए होगा तो मैं उसको निकाल के लूँगी. सो दिस इज़ ऑल सेट नाउ. अब ये वाला जो बॉक्स है ना, ये भी मुझे सेट करना है. सो ये आज नहीं करूँगी मैं, ये मैं अब कुछ दिनों बाद करूँगी, क्योंकि आज एक दिन में तो इतना ही हो पाएगा, ज़्यादा नहीं हो पाएगा. बहुत बड़ा टास्क खत्म हो गया है मेरा. नाउ आई एम फीलिंग सो रिलीव्ड एंड सो हैप्पी. अब मैं चैन की नींद सो पाऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा है. सो यस, डिनर, अब मैं जाती हूँ डिनर की तैयारी करती हूँ. मे बी क्या आटा गूंद के रखा हुआ है, तो आटा और दिन की दाल बची हुई है, सुबह की दाल, और वो केल वाली जो साग बनाई थी वो भी बची हुई है. सो आई विल हैव दैट ओनली. रोटी बना लेती हूँ एक, बाकी तो और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाऊंगी. एंड इस वीलॉग को यहीं ख़त्म करते हैं. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. अच्छा कि लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करो, सब्सक्राइब करो माई शैडो बीट्स को. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई शैडो बीट्स गाइज, बिकॉज आई लव यू ऑल. प्लीज सब्सक्राइब. एंड या आई विल सी यू गाइज टुमारो विद अ न्यू वीलॉग. टिल देन बाय.